ये बहराइच शहर का महसी तहसील अंतर्गत जानकी गांव है। ये गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। लोग यहां पर बामुश्किल जिंदगी अपनी जी रहे हैं। यहां पर जो चारे पानी रखे हुए हैं पूरी तरीके से वो भी बहे जा रहे हैं। लोग अपने अपने तखतों पर चारपाई पर बैठकर जीने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। जानवर भी देख लीजिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखा दें किस तरह से जानवर यहाँ बंधे हुए हैं। उनके ट्यूने तक पूरा पानी भरा हुआ है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर घाघरा है, घाघरा नदी, और वहीं से ये पानी अब लग चुका है इस गाँव में, ऐसा बताया जा रहा है, जानकारी प्राप्त हो रही है। यहाँ पर कम से कम दर्जनों गाँव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न है। उसमें से दर्जनों घर ऐसे हैं जो लोगों ने अपने हाथों से तोड़ दिए हैं, और सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो अब तोड़ने की तैयारी में हैं। वो इसलिए कि उनके आशियाने बच जाएं, उन आशियानों के ईंट बच जाएं, और लेकर उसको कहीं बंधे पे कोई जा रहा है जिसके पास व्यवस्था नहीं है, वो कहीं दूर दराज जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग देख लीजिए, ये मड़ैया बनी हुई है, यहीं इसी में लोग रहते थे। अब यहाँ पर पूरी तरीके से पानी भर गया है, यहाँ चलना भी मुश्किल हो रहा है। अपने बच्चों को लेकर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह की दुश्वारियाँ वो झेल रहे हैं, क्या क्या उनको परेशानी हो रही है, क्या क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? सुरेश यादव। सुरेश जी, ये बताइए आपके गांव में इस बार पानी आया है या हमेशा आता है? नहीं, अब की बार पानी आया है, कभी नहीं आता था। तो कैसे आप लोग रह रहे हैं? अब किसी में जी रहे ना हम लोग, बड़ी समस्या है। 2-3 दिन से तो भी हमको सबको राशन पानी पिसाने की नहीं मिल रहा, जहरीले पदार्थ। यहाँ से बाजार कितनी दूरी? यहाँ पे 9 किलोमीटर है। कैसे जाते हैं? अब किसी भी जाए ना मिलता है, ना कोई साधन वाहन कुछ है ये नहीं एकदम से। कैसे आप लोग खाते पीते हैं, कैसे रहते खाते हैं? पीते के लिए कोई व्यवस्था ना हाली बन पा रही है, ऐसे काम चल रहा है। कैसे ना कैसे जो रहा है वो खाया गया, बिल्कुल कुछ नहीं है। और यहाँ पे जैसे कटान की हम तो पीड़ित हैं, घर भी कट गया है, तो रखने की भी जगह नहीं मिल रहे हैं। प्रधान वरदान कोई सुन। आपका क्या नाम है? ओमकार यादव। कौन सा घर है आपका? हमारे घर थोड़ा इतनी से आगे है, वहाँ भी पानी। हाँ, पानी इतना पानी होगा? पानी इतना टिहना जांग भर है बस। टिहना जांग। तो कैसे रह रहे हैं आप? तख्ता पर रहा जाता है, तख्ता ऊपर तख्ता डाल ली जाता है, तख्ता ऊपर खटिया डाल ली जाता है, बस हिसाब पर रहा जाता है। और जो पक्के मकान जिनके बने हैं वो अपने छत पर रहा था। तो उनको डर नहीं लगता है कि कहीं कट ना जाए, गिर ना जाए? अब डर तो साहब बहुत लगा था, लेकिन कौन उपाय है, जिंदगी जेक है तो कुछ तो कर है। तो कैसे खाना पानी कैसे व्यवस्था हो? सब बन जाता है, तख्ता के ऊपर खटिया डाल ली जाता है, तख्ता डाल ली जाता है, वह के ऊपर बना था। और जो सामान की जरूरत लगती है तो बाजार कैसे जाते हैं? बाजार जब जावा जाता है तो 10-15 दिन का इकट्ठा सामान खरीदा जाता है। कितना समय लगता है जाने में बाजार? हाँ, पूरा दिन तो लागे जाता है। महसी के हैं जावा जी, महसी के अलावा यहाँ कोई दूसरा जुगाड़ ना है। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं कराई जा रही? कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की तरफ से। कौन व्यवस्था? बीच में सूचना मिली थी कि प्रशासन ने किट दी है, उसमें आलू है, चावल है। हाँ, बाढ़ राहत वाला चावल दिया गया, बाढ़ राहत वाला गल्ला मिला है तीमा, तो उससे हो जाता है, पूरा पड़ जाता है। पूरा कहाँ, अब 2-4 दिन कट जाते हैं बस बस बस। अच्छा, ये बताइए फसलें भी आप लोग की लगी होंगी इसमें? हाँ, सब फसल का क्या होगा? सब नष्ट होगा, पानी भरेगा, जब पानी ज्यादा होगा तो धान चलेगा। हाँ, तो कैसे अब आप लोग जीवन यापन करेंगे? उसमें आप लोगों ने जो पैसे तमाम लगाए होंगे, अब कौन उपाय? गंगा जी की महिमा है, सब कार्ड कूट दी है तो कौन उपाय है? यहाँ पर एक साथी और है, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हरिद्वार यादव। हरिद्वार जी, कहाँ आपका कौन सा घर है? पीछे पड़ता है बले में हूं। अच्छा। जी, आपके घर में पानी है? जी, घर में पानी हो। इस गांव में कितनी आबादी होंगी? 1200 बीघा आबादी लगभग होगी, 700 आबादी है हमारे यहाँ जी। घर कितने बने होंगे? 130 घर है सर। 130 सारे घरों में पानी? सब घरों में पानी है। कुछ घर कट गए हैं, छत वत गिर गए हैं, और कुछ कैसो हैं तो कोई मड़िया डरे, बहुत परेशान है वो लिंग के लोग बहुत भी ज्यादा। तो ये ग्रामीण थे, इन्होंने अपना दर्द बताया किस तरह से पानी। मैं कहूंगा एक बार कैमरामैन साथी से दिखा दें, ये जो मड़िया बनी हुई है, ये जो फूस का घर बना हुआ है, ये आप देख लीजिए किस तरह से पानी यहाँ से प्रवेश कर रहा है, किस तरह से पानी आ रहा है, और लगातार ये पानी बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर भूसा रखा हुआ है, ये जानवरों को, गाय को, भैंस को चारा इसका खिलाया जाता है। पूरी तरीके से धीरे धीरे ये भी पानी में ही जा रहा है। अब क्या करें, यहाँ तो लोग अपने को नहीं बचा पा रहे हैं, तो इस चारे को कैसे बताएंगे? वहीं पास में ही देखिए कुछ लोग अपना मकान भी तोड़ रहे हैं, वहाँ पर भी चलेंगे, वहाँ लोगों से बात करेंगे कि अब उन्होंने इतनी मन्नत से, इतनी ख्वाहिश से, क्योंकि जब कोई अपना आशियाना बनाता है
अपना घर बनाता है तो उसमें उसकी तमाम मेहनत होती है, उसका सपना होता है, उसका आसियाना होता है, लेकिन जब मजबूरी में उसी आसियाने को तोड़ना पड़े तो सोचिए दिल पर क्या गुजरती होगी। ग्रामीण मौजूद है वहाँ पर, हालांकि ये पानी है, यहाँ चलने में भी मुझे दिक्कत हो रही है, तो मैं धीरे धीरे यहाँ सहारा ले रहा हूँ, अगर मैं संभलूंगा नहीं तो इस पानी में गिर जाऊँगा। और वहाँ पर लोग मकान अपने तोड़ रहे हैं, वहाँ पर हम चल के बात करेंगे कि अपने आसियाने को जिसको उन्होंने बनाया है आखिर वो क्यों तोड़ रहे हैं। यहाँ पर मौजूद हैं कुछ ग्रामीण, हम चलते हैं सीधे वहीं पर। कौन सा घर है ये? देख, ये आपका घर है? आपका घर है? ये देख लीजिए किस तरह इस घर को लोग तोड़ रहे हैं, एक एक ईंट से ईंट गिरा रहे हैं। और ये पूरा, ये बताइए, यहाँ आ जाइए आप, घर किसका है ये? नेताराम नरेश। कौन है आपके? राम नरेश मेरे भाई, लड़के हैं। ये बताइए इसको जब बनवाया था तो कभी सोचा था कि इसको कभी तोड़ना पड़ेगा? ये कभी नहीं सोचा था, जो नदी है कटवा कर आ गई है तो इसीलिए इसको काट पड़ेगा। इसको तोड़ क्या करेंगे? ईटा वगैरह, ईटा वगैरह जो ले जा पाएंगे वो ले जाएंगे, तो नदी में चला जाएगा। जो ले जा पाएंगे ले जाएंगे। अभी ट्राली वाली का कोई व्यवस्था नहीं है, सब ट्राली ना आप लोग देखा गया है, पानी भर रहा है। आ जाइए आप, आ जाइए दादा, ये आपका घर है? हाँ। क्या नाम है आपका? द्वारिका। तो ये बताइए, घर जब आपने बनवाया था तो कभी सोचा था कि इस आसियानों को तोड़ना पड़ेगा? ये सब ऐसा सोचा था? कभी ना सोचे। तो आप तोड़ रहे हैं अपने हाथों से, तो कैसा दर्द हो रहा है? अरे दर्द नहीं, बड़ी दर्द है। क्या करेंगे इस ईटे का? क्या करेंगे इस ईटे? नदी में चला जाएगा, क्या करेंगे? और जो ईटा तोड़ रहे हैं ले जा पाएंगे उसको? ले जाएंगे, कुछ ले जाने मिली साहब। ये देखो यहाँ नदी यहाँ आए। क्या नाम बताया? द्वारिका। तो ये द्वारिका जी हैं जिनका ये मकान बना हुआ है, हालांकि अभी छत इन्होंने नहीं डलवाई थी, तैयारी हो रही थी छत डलवाने की, लेकिन उतने में ही बाढ़ इस कदर की आई कि अब इनको अपने हाथों से इस घर को तोड़ना पड़ रहा है। द्वारिका जी भावुक थे, उनकी आंखों में आंसू भी था। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आ जाइए, आ जाइए। क्या नाम है आपका? राम नरेश। राम नरेश जी, कौन सा घर है आप? यही तो वहाँ भी पानी पहुँच गया है? पानी पहुँच गया है, फिर इसको छत था इसको टूटा गया है। अच्छा, छत तोड़ा है? हाँ, तोड़ दिया है। कितनी लागत लगी थी बनवाने में? लगभग तो 3 लाख रुपया 4 लाख रहा। कहाँ से लाए थे? अरे पैसा ऐसे मंजूरी धतूरी के अलावा जोड़े बटोरे थे। कितना समय लगा था इसको बनवाने में आपको, और कितने साल की मेहनत थी? इस साल 1 साल हुई थी बनाने के लिए, बस एक ही साल में कट गया। अब आप छत तोड़ रहे हैं, दीवार तोड़ रहे हैं, तो कैसा दर्द? दर्द तो है ना। कभी सोचा था इसी भी नौबत आएगी? कभी नहीं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? अरे सरकार से निवेदन यही है कि मदद करे कुछ। मदद करें। तो साथियों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ये जो गांव है यहाँ 700 की आबादी है और सैकड़ों घर यहाँ पर बने हुए हैं। कुछ पक्के भी हैं, कुछ कच्चे भी हैं। जिनके पक्के हैं वो तोड़कर अपना आशियाना अपने हाथों से गिरा रहे हैं, वो इसलिए कि कहीं कटान में पूरा का पूरा बह ना जाए। अब ये देखने वाली बात होगी इन भोले भाले ग्रामीणों की, प्रशासन कब मदद करता है। जानकी नगर से, तहसील मासी क्षेत्र के बहराइच से, बिन्नू वाल्मीकि की खास रिपोर्ट।